मोदी क्यों निहारने लगे बाबा का गर्भगृह। गर्भगृह के अद्भुत नजारे में खो गए मोदी। 187 सालों बाद दिखा अलौकिक नजारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी महिमा और शक्ति दोनों को ही शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, एक बार फिर बाबा के गर्भगृह की चर्चा लोगों की जुबान पर है। और इतना ही नहीं, काशी पहुंचे मोदी ने भी जब बाबा के गर्भगृह को देखा तो बस देखते ही रह गए, मानो कोने कोने से मोदी की नजर हट नहीं रही हो। मोदी के इस दौरान की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंत्र और बाबा की आराधना में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें रविवार यानी कि 27 फरवरी की हैं। मोदी जब भी काशी जाते हैं बाबा के दर पर हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद बाबा के गर्भगृह में ऐसा क्या बदलाव आ गया जिस पर से मोदी की भी नजरें नहीं हटी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने आप सभी लोगों के लिए भेजी है। दरअसल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर अब नीचे से ऊपर तक सोने से चमक उठा है। धर्म की नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दीवारें सोने से जगमगा गई हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। बाबा के गर्भगृह के इस अद्भुत नजारे को देखने के बाद मोदी मानो खो से गए हो। पूरे 187 सालों बाद विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने के पत्थरों की मढ़ाई हुई है, जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि 27 फरवरी की शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में चल रहे स्वर्ण मंडल के कार्य का पूरा होने के बाद पहली बार पूजा करने पहुंचे, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अद्भुत नजारे को देखने के बाद कहा कि अद्भुत और अकल्पनीय कार्य हुआ है। स्वर्ण मंडल होने के बाद विश्व के नाथ यानी कि विश्वनाथ दरबार एक अलग ही छवि प्रदर्शित कर रहा है, और जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मालूम हो कि आज से 127 साल बाद पहले पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोने से विश्वनाथ मंदिर के दो शिखरों पर सोना चढ़वाया था, और जिसके बाद अब दक्षिण भारत के दानदाताओं की मदद से गर्भगृह को 120 किलो सोने से स्वर्णमंडित कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है, और अब बाबा का गर्भगृह सोने की आभा से दमकने लगा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मंदिर के अंदर की पूरी दीवारों पर सोने की परत लगी हुई है। महाशिवरात्रि से पहले बचा सारा काम पूरा कर लिया जाएगा, और इस बार शिव भक्त स्वर्णिम आभा में शिव और शक्ति के दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं मंदिर प्रशासन की माने तो गर्भगृह के अंदर सोना लगाने का काम पूरा होने के बाद अब चारों चौखट से चांदी हटाकर उस पर भी सोने की परत लगाई जाएगी, और इसके बाद तो मंदिर के शिखर के नीचे के बचे हिस्से में भी सोने की प्लेटें लगाई जाएगी। तो वहीं सोने लगाने वाली संस्था का ये कहना है कि सोने को पहले गर्भगृह की दीवारों उसके बाद बाहरी दीवारों पर लगाया गया। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु खास तौर से बाबा के स्वर्णमंडित गर्भगृह का दर्शन करेंगे। मंदिर के गर्भगृह के अंदर और बाहर की दीवारों को स्वर्णमंडित करने के लिए 10 संसदीय टीम ने दो चरणों में काम किया है। बहरहाल बाबा के इस गर्भगृह के इस अद्भुत नजारे को हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजा है, और इन तस्वीरों को देखिए, और इन तस्वीरों पर आपके क्या कमेंट्स हैं प्लीज दीजिएगा।